Hello everyone, how are you all? So this is Vandana Kulshrest and welcome to my channel English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so what are you waiting for? Just subscribe, share and like it. Okay? So in this video session, I am going to explain, talk about the quantifiers, that is much and many. This is one of the kind of adjective of number, we can say. Okay? Much and many. There are many confusions about this, these two words, much and many. So when to use much and many, I'm going to tell you, okay, the basic grammar function for these two words. Okay, so many, first of all, we are talking about many. Many is used for countable noun. Countable noun ke saath we use many. Countable noun means separate objects that we can count, जिनको हम count कर सकते हैं. तो this is countable noun. Number किसके लिए use होता है? Number के लिए, मतलब कोई भी चीज quantity में कितनी है जिसको हम count कर सकते हैं. Alright, उसके लिए use होता है. Singular and it may be singular or plural both. ये singular के लिए भी use होता है और ये plural भी हो सकता है. Okay. Now affirmative, we use in affirmative, negative and interrogative. Especially we use in negative or interrogative usually. Okay, so many is used for the countable nouns. Okay, so affirmative mein, negative mein aur interrogative mein hum inka use karte hain. Alright, means this question about the many. अगर हम many का यूज करते हैं तो क्वेश्चन में यूज किया जाता है इसको फॉर द countable noun. इट क्वेश्चन अबाउट द many, मतलब कितनी चीज है, क्या है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. Alright, now see the examples. There are too many disadvantages in this business. Sorry, disadvantages, because many is there ना. तो there are too many, तो disadvantages को we can count. ठीक है, तो यहां पर हमने many का यूज किया. आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स. मैनी फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स जो नाउन है उसको हम वी कैन काउंट ना. तो आई डोंट हैव मैनी, तो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. तो ऑलवेज रिमेंबर, इन मच और मैनी वी यूज नेगेटिव सेंटेंस टू शो द स्मॉल क्वांटिटी. हमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी बताना है, चाहे वो मच हो या मैनी हो, तब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. And we always use contraction in negative sentence. We need not to write the whole do not, don't, is not. तो जरूरी लिखनी है कि हम इसको contraction में, यानी कि short form में use कर सकते हैं, isn't in negative sentence. Okay? How many children do you have? Children, how many? मैंने बताया ना ये how many question about the कोई चीज कितनी है, क्या है quantity. तो ये तो स्पेशली मैनी इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी. ओके, किसी भी चीज की जब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है तो दे वी यूज मैनी. ओके, सो दिस इज चिल्ड्रन काउंटेबल है तो हमने यहां इसके लिए मैनी यूज किया. दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ कम टू द मच. मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट. ठीक है, मीन्स नॉट सेपरेटेड. ठीक है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दे वी यूज मच. ओके, मच इज यूज फॉर क्वांटिटी, मात्रा के लिए यूज करता है. एंड इट आंसर्स द, इट क्वेश्चंस अबाउट द, मतलब जो आंसर करता है इस आंसर अबाउट द हाउ मच, कोई चीज कितनी है मात्रा के लिए, और हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं. दे आर नॉट सेपरेटेड एंड दे आर इन सिंगुलर ओनली. ओके, ऑलवेज इन सिंगुलर. And it is used in especially negative and interrogative. Okay, negative में और interrogative में use करते हैं. कहीं कहीं affirmative means positive sentence में we can use. तो अभी हम देखते हैं negative and interrogative. देखिए, how much money have you got? तो much. There isn't much data to download. अब data को हम count नहीं कर सकते ना,
ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए हमने मच का यूज किया। एंड यू कैन सी हियर इजंट, मैंने कहा ना कॉन्ट्रेक्शन यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो देयर इजंट मच डाटा टू डाउनलोड। वॉज देयर मच रेन टूडे, तो रेन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, राइट, तो मच इज यूज देयर एंड दिस इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन। दिस एंड दिस बोथ आर इंटरोगेटिव क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ मच एंड सॉरी मैनी एंड मच। ओके, नाउ वन थिंग मोर फॉर लार्ज क्वांटिटी, वेन वी टॉक अबाउट अ लार्ज क्वांटिटी, राइट, वेयर इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव सेंटेंस, इन पॉजिटिव सेंटेंस वी डू नॉट यूज मच और मैनी टू शो द लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, एनी नाउन। ओके, जब हम किसी बहुत लार्ज क्वांटिटी हमें बताना है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो देयर वी डोंट यूज मच और मैनी। ओके, तो वी प्रेफर अ एक्सप्रेशन दैट इज अ लॉट ऑफ, तो वहां हम अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे इन पॉजिटिव सेंटेंस ओनली। एंड वेन वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब अ लार्ज क्वांटिटी, देयर वी यूज दिस एक्सप्रेशन अ लॉट ऑफ। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ कैरेट्स, अ लॉट ऑफ, तो यहां लॉट ऑफ व्हाट इज इट शोइंग कि दे आर सो मैनी कैरेट्स, यानी कि वहां बहुत सारी क्या है कैरेट्स हैं, गाजर हैं। ओके, तो जब ज्यादा क्वांटिटी होती है ना, इट्स कंडीशनल। देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द फ्रिज, तो यहां पे भी पॉजिटिव सेंटेंस में अ लॉट ऑफ, यानी कि हियर वी डिस्क्राइब अ लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में मिल्क है फ्रिज में, तो यहां हमने अ लॉट ऑफ यूज किया, मच का यूज हमने नहीं किया। ओके, तो मच इज यूज स्पेशली फॉर द नेगेटिव एंड द इंटरोगेटिव। सो नाउ नेक्स्ट रूल इज मच मैनी नाउन विदाउट ऑफ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा है मैम ने, सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि मच और मैनी का यूज एक कंडीशन और होती है कि विदाउट ऑफ, कहीं कहीं आपने देखा होगा ऑफ भी लगा रहता है। ओके, तो कहाँ हमें लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, तो आई एम टेलिंग यू कि विदाउट ऑफ कब रहता है और कहाँ हमें ऑफ लगाना होता है आफ्टर द मैनी। तो आई एम टेलिंग यू कि देखिए व्हेन वी आर हैविंग अ सेंटेंस, ठीक है, जिस सेंटेंस में हमें कोई डिटरमाइनर नहीं दिया गया है, डिटरमाइनर आप जानते हैं द दिस दैट हिज, इस तरीके के कोई भी डिटरमाइनर्स अगर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नाउन से पहले यदि कोई डिटरमाइनर नहीं है तो देयर वी डोंट यूज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल सा ले लिया, जैसे शी डजंट हैव मच स्लीप। अब यहां ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन इससे पहले कोई डिटरमाइनर नहीं है, तो हमने यहां ऑफ का यूज नहीं किया है। गॉट इट? ऑल राइट, अब जैसे हमने एक और सेंटेंस ले देते हैं, शी मैनी का लेते हैं, अब हमने एक मच का ले लिया, तो शी हैज मैनी ड्रेसेस। ओके, ड्रेसेस को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां कोई भी नाउन से पहले कोई भी डिटरमाइनर नहीं है। ओके, नाउ सी मच, अब वेयर वी यूज, वेन टू यूज डिटरमिनर और ऑफ का यूज हमें कहाँ करना है, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये मच मैनी, उसके बाद ऑफ, और कब आएगा, वेन वी आर हैविंग डिटरमिनर, एनी डिटरमिनर बिफोर द नाउन, देयर वी यूज। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं जब डिटरमिनर होता है, तो हम उस डिटरमिनर से पहले, या हम कह लें कि मच और मैनी से पहले हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी डजंट नो, अब शी डजंट नो, फिर मैनी, अब उसके बाद देखिए क्या आएगा, ऑफ, फिर कोई डिटरमिनर आना चाहिए, तो हम लिख देते हैं माय और फ्रेंड्स, फ्रेंड लिख लें या कोई
कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ माई रिलेटिव्स. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. मैनी आ गया, उसके बाद ऑफ. अब ऑफ क्यों आया? क्योंकि यहाँ माई इज डिटर्मिनर, डिटर्मिनर है, इसलिए हमने ऑफ का यूज किया. अगर यहाँ पर ये नहीं होता, डिटर्मिनर नहीं होता, तो हम वहाँ पर यूज नहीं करते ऑफ का. बट हमने यहाँ ऑफ का यूज क्यों किया? मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स, क्योंकि यहाँ एक डिटर्मिनर का यूज हुआ है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि व्हेन डिटर्मिनर इज गिवन बिफोर द नाउन, ठीक है, देन यू एड ऑफ, अदरवाइज नो. ओके, नाउ यू कैन सी सम सेंटेंसेस आई हैव रिटन ओवर हियर टू मेक यू प्रैक्टिस वेल. सो जस्ट सी एंड डिटेक्ट द एरर्स. देयर आर मच मैनी कैंडल्स देयर, वॉट विल यू यूज? मच और मैनी कैंडल्स, ऑफकोर्स इट्स काउंटेबल, तो वी यूज मैनी. इट इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. हाउ मैनी मच चीज इज देयर, वॉट विल यू यूज? चीज अनकाउंटेबल, तो मच इज करेक्ट. ओके, मैनी इज रॉन्ग हियर. देयर इज अ लॉट ऑफ और मैनी पीपल इन द गार्डन, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ? अ लॉट ऑफ. वेन वी टॉक अबाउट अ लार्ज क्वांटिटी इन पॉजिटिव सेंटेंस, तो वी यूज अ लॉट ऑफ. सो अ लॉट ऑफ इज करेक्ट, मैनी इज रॉन्ग. हियर वी डोंट यूज मैनी और मच. ओके, वी डिडेंट स्पेंड मच और मैनी मनी, तो ऑब्वियसली मच इज करेक्ट. ओके, आर देयर मच मैनी इलिटरेट चिल्ड्रन इन इंडिया? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाउन क्या है हमारा? चिल्ड्रन, एंड वी कैन काउंट देम. सो वी प्रेफर दिस मैनी, एंड मच इज रॉन्ग हियर. हाउ मच दिस स्टोरी इज ट्रू? ओके, अब यहां मुझे बताइए आप, हाउ मच, मच के बाद क्या आ रहा है? ये दिस, यहां देखिए आप, मैंने प्लस प्लस करके लिखा है ना, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे ऑफ आना चाहिए ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसके बाद डिटरमिनर होना चाहिए. तो आप देखिए यहाँ डिटरमिनर दिस है, दिस इज डिटरमिनर, राइट? दिस इज डिटरमिनर, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ. हाउ मच ऑफ दिस स्टोरी इज ट्रू? नाउ दिस इज करेक्ट. अगर आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपको बस ये देखना है कि नाउन से पहले देयर इज अ डिटर्मिनर और नॉट. डिटर्मिनर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है तो वी यूज ऑफ आफ्टर द मच ऑफ मैनी. आई डोंट नो मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, इज दिस करेक्ट सेंटेंस? आई डोंट नो मैनी, फिर मैंने यहाँ ऑफ का यूज किया है. नाउ सी डिटर्मिनर इज देयर और नॉट? यस, डिटर्मिनर इज हियर, दैट्स वाई वी यूज ऑफ. सो दिस इज राइट. ऑल राइट, सो गाइज, दिस इज द यूज ऑफ मच एंड मैनी. ओके, आई होप यू हैव क्लियर योर ऑल कन्फ्यूजन्स. सो टिल देन, गुड बाय.